और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां पर देखिए गांव में नागिन के इंतकाम का ये पूरा मामला है। जानलेवा नागिन वन विभाग की पकड़ से अभी भी दूर है। बताया जा रहा है कि अब तक 6 लोगों को शिकार भी बना चुकी है नागिन। तो नागिन से डसने की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गांव की पुकार नागिन से बचा लो सरकार, वन विभाग की नाकामी गाँव पर अब भारी पड़ रही है। तो गाँव से बताया जा रहा है कि 6 से अधिक परिवार ने पलायन कर दिया है। स्कूलों में बच्चों की जाने की संख्या भी घट रही है। तो हापुड़ प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने खानापूर्ति के लिए दौरा किया। नागिन के खौफ से गांव में लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिये वन विभाग की नाकामी बताया जा रहा है कि गाँव पर अब भारी पड़ रही है। कई परिवारों ने पलायन कर दिया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। नागिन का देखे खौफ बढ़ता ही जा रहा है। स्कूलों में बच्चों के जाने की संख्या भी घट गई है। ये बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही, जहां पर हापुड़ प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि सिर्फ खानापूर्ति के लिए दौरा कर रहे हैं। देखिये नागिन के खौफ से गाँव में लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। ये बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही, जहाँ पर बताया जा रहा है कि नागिन के डसने की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो गांव की सिर्फ यही पुकार है कि इस नागिन से छुटकारा दिलाया जाए। वन विभाग की नाकामी अब गांव वालों पर भारी पड़ रही है। तो स्कूलों में बच्चों के जाने की संख्या भी घट रही है। कहा जा रहा है कि नागिन 3 लोगों को डस चुकी है, जिससे उनकी मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि नागिन के डसने की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अभी तक वन विभाग उसे पकड़ नहीं पाया है। देखिए, ये बुलंदशहर रोड पर जो सदरपुर गांव है, वहां की ये घटना है। और 21 अक्टूबर की रात को पहली बार जो नागिन का शिकार था वो सामने आया था। 2 बच्चे और उनकी माँ को नागिन ने डसा था और तीनों की कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई। इसके बाद एक दिन के अंतराल पर प्रवेश और उसकी पत्नी को भी नागिन ने डसा था। उसको मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कई दिन बाद वो वहां से छुट्टी पा गए और वो ठीक भी हो गए। लेकिन आपको बताएं कि इन घटनाओं के बाद इतना सारा यहां पर जो खौफ का माहौल है वो देखने को मिल रहा है कि लोगों ने अपने जो बच्चे हैं वो गाँव से अलग कर दिए हैं, उनको भेज दिया है, उनकी रिश्तेदारी में उनकी ननिहालों में भेज दिया है और वो वहीं पर रह रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी गांव छोड़कर चली गई हैं और उनका कहना है कि जब तक नागिन का आतंक खत्म नहीं होता तब तक वो यहां पर लौट कर नहीं आएंगे। शुक्रवार की शाम को भी एक और महिला को नागिन ने डसा और उसको मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसको भी कल यहाँ से रिलीव कर दिया गया है, वो अब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस नागिन का इतना खौफ है वो आखिर कब पकड़ी जाएगी। आपको बताएं कि 50 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं गांव में जो पूरे परिवार के समेत घरों में ताले लगाकर यहां से चले गए। और ये जो बस्ती है जहां पर सबसे ज्यादा नागिन का आतंक है, ये गरीबों की बस्ती है और यहां पर जो घर है वो मिट्टी के गारे के बने हुए घर है और वहां पर बहुत सारा स्पेस दीवारों में ईंटों के बीच है जिनमें नागिन आसानी से आ जाती है और वहां से अपना रास्ता भी उसने एक घर से दूसरे घर के लिए बना रखा है। बावजूद इसके जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं वो वहां पर मौजूद तो है, 2 टीमें लगातार वहां पर काम कर रही हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है उसके कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रही। वहां पर केवल एक बार SDM पहुंचे थे, उसके बाद से लेकर आज तक ये जानने का प्रयास नहीं किया गया कि खौफ के साए में जो लोग जी रहे हैं उनकी जिंदगी कैसी है। आपको बताएं कि एक एक चौपार पर 30-30, 40-40 खाट लगाकर वहां पर लोग अपनी नींद पूरी करने के लिए सोते हैं और गांव के ही बाकी लोग जो हैं वहीं पर आग जलाकर और पूरी रात बैठे रहते हैं। अब सर्दी भी होने लगी है तो ऐसे में उनका जो जीवन है बुरी तरह अस्त व्यस्त है। कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है, कोई अपने जो रोटी रोजगार है उनको नहीं देख पा रहा है, खेतों में लोग नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो पूरे दिन खौफ का माहौल रहता है इन बस्तियों में वो वाकई में बहुत दर्द भरा है, बहुत दुख देने वाला है। बावजूद इसके जो सिस्टम है उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही। अभी तक किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया जिस नागिन ने 6 लोगों को अभी तक डसा है वो नागिन दिखती कैसी है, वो कहाँ पर है और वो कौन सा प्रजाति का सांप है जो लगातार यहाँ पर
अपना अटैक कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो बदला ले रहा है, बदला किस वजह से ले रहा है इसका भी कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। कोई ऐसी पूर्व की घटना नहीं देखी गई है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो नागिन है वो लगातार डसे जा रही है। 3 लोगों की जिनकी जान गई है, उनमें 2 छोटे बच्चे हैं, 10 और 12 साल के बच्चे और उनकी माँ घर के बाहर के हिस्से में सो रहे थे, नागिन ने उनको डसा और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। तो ये पूरा गांव जो है एक तरीके से इस अभिशाप का शिकार बन चुका है और यहाँ के लोग रात में जाग जाग कर जीने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, देखा जाए नरेंद्र, ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वन विभाग की टीम वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आती है, क्या किसी सांपों के विशेषज्ञ को बुलाया गया? किस तरीके से जो ये नागिन बताई जा रही है, या किसी और प्रजाति का ये सांप है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो भगत होते हैं सांपों का इलाज करने वाले, वो पहुंचे हैं, बहुत सारे सांपों के जानकार पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सपेरे भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बुलाए थे, उनकी फीस ही 20,000 रुपये थी, इन गरीबों ने चंदा करके उनको वो फीस दी। तो इस तरीके से जितने भी टोटके हो सकते हैं वो तो देखे जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अभी तक ये पता करने का प्रयास नहीं किया गया कि जो नागिन है वो आखिर कौन सी प्रजाति की है, क्यों डस रही है, और वो गाँव में अब है भी या नहीं है। आपने देखा होगा कि कई दिनों के अंतराल के बाद परसों शाम को फिर से एक महिला को डसा उसने, लेकिन वो नागिन डसने के बाद आखिर कहाँ चली जाती है, कौन से बिल में चली जाती है, किस घर में वो बिल बना हुआ है, इन सब चीज़ों का एक साइंटिफिक तरीके से, एक रणनीतिक रूप से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो खौफ के साए में लोग यहाँ पर जी रहे हैं, इनको एक खौफ से मुक्ति मिलनी चाहिए। जो नागिन है, अगर नागिन है तो उसको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। घर के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है, कोई भी अपने जेहन से जो नागिन का खौफ है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। छोटे बच्चे डर के मारे चले गए अपनी रिश्तेदारियों में, स्कूल कॉलेजों की जो छुट्टियां जैसी स्थिति है वो आसपास के इलाकों में देखी जा रही है, क्योंकि गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्होंने गाँव छोड़ दिया है। दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में जो लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सही सुरक्षा व्यवस्था देने का काम जिला प्रशासन का है, लेकिन वहां पर लोग अपने घरों में ताले लगा कर जा रहे हैं, घर बंद पड़े हैं कई कई दिनों से, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, वहां आकर देखने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा कौन सा खौफ है जिससे जिला प्रशासन उन्हें निजात नहीं दिला सकता। तो जो नागिन का इंतकाम की बात कही जा रही है, वो सारी चीजें तब ट्रैक होंगी, तब निकलेंगी, बाहर निकल कर आएंगी जब जिला प्रशासन के अधिकारी वहां व्यवस्थित रूप से कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, नागिन को ट्रैक करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।